आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। रामगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद चर्चित राजप्पा मंदिर पहुँच कर पूजा अर्चना का माथा टेका। साथ ही चारों हजरत दादा अब्दुल्ला के दरबार पहुँच कर अपने समर्थकों के साथ मजार पर चादर पोशी की। इस बीच मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, हमारी सोच थी तो पहले तो बाबा का आशीर्वाद ले लें, उसके बाद ही अपने नए ईयर का शुरुआत करेंगे अपनी जनता के आशीर्वाद के साथ, उनके साथ के साथ। इस वजह से हम लोग आज बाबा के दरबार में आए हैं और इनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि सबों का आशीर्वाद मिल सके और अपने इस रामगढ़ विधानसभा का हम लोग विकास के कार्य में आगे आ सकें। सबसे पहले तो आज नए साल है, तो नए साल की शुरुआत में बाबा का आशीर्वाद लिए हैं, तो सबको सबसे पहले पूरे चाड़ी वासियों को, पूरे रामगढ़ विधानसभा वासियों को, पूरे झारखंड वासियों को मेरी ओर से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और जो इच्छाएं यहां की जनता के अंदर हैं मेरे प्रति और जिनका मैं आभार व्यक्त करती हूं कि सबों ने अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह मुझे दिया है और इस रामगढ़ विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका दिया है, तो जो इच्छाएं, जो विश्वास इन्होंने मुझसे जताई हैं उन विश्वास पे मैं खरी उतरने का प्रयास करूंगी। और जो भी इनकी अपेक्षाएं हैं मुझसे कि विकास के कार्य होने चाहिए अपने इस गांव में या रामगढ़ विधानसभा में, तो उन इच्छाओं पे मैं खरी उतरने का प्रयास करूंगी। और जो भी इनकी प्रथम इच्छा होगी कि भाई हमारे इस गांव में होना चाहिए, उस कार्य को मैं पूरा करूंगी। आगे एक आपसे जुड़ा हुआ सवाल, सरकार बन गई महागठबंधन, आप मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। देखिए, अगर इसके लिए अगर मौका दिया गया तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि पूरे झारखंड वासियों की जो भी सपने हैं उसको साकार करने का मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगी। अगर नेतृत्व करने का मौका मिला तो उस नेतृत्व में मैं खरी उतरने का प्रयास करूंगी और बाकी सब आला कमान के ऊपर निर्भर करता है कि वो मुझे क्या जिम्मेदारियां देते हैं। आज हमारे शाड़ी के मजार शरीफ, दादा अब्दुल रहीम शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ में चादर पोशी के लिए हमारे नव निर्वाचित विधायिका ममता देवी आई थी। उनके आने की खबर सुनकर हमारे गांव में काफ़ी चर्चाएं हुई, बहुत खुशी का माहौल था, सारे गांव के लोग उनके इस्तकबाल के लिए आए और बहुत जोश व खरोश के साथ यहां चादर पोसी हुई और एक नई उम्मीदों के साथ, जैसा कि विधायिका के तरफ से आश्वासन भी मिला कि हम तमाम पिछली 5 वर्षों में जो चाड़ी के जनता या बाकी लोग जो ठगे ठगे सा महसूस कर रहे थे या जो आकांक्षाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई है, मैं हर संभव प्रयास करूंगी कि वो हम यहां पूरा करें, ऐसा उन्होंने आश्वासन विधायिका के तरफ से मिला, जिससे पूरे गांव वासियों में काफ़ी हर्ष का माहौल था। और उन्होंने एक अहम बातें और कही कि अगर हम चाड़ी वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए कुछ कर दिखाने की जिज्ञासा रखती हूं, अगर हमें हमारी सरकार की तरफ से कुछ और अहम जिम्मेवारियां अगर मिली तो मैं हर संभव प्रयास करूंगी कि पूरे झारखंड के साथ साथ चाड़ी को भी मैं एक आदर्श गांव के रूप में इसको उतारूं। और जो भी जन समस्याएं थीं, सारी जन समस्याओं को विधायिका ने बहुरी गौर से सुनने के बाद उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही भली भांति अच्छे ढंग से रख करके सारे लोगों को, मैं चाड़ी अंजुमन कमेटी के सदर अलहाज मोहम्मद जाकिर हुसैन, हमने उनसे कुछ सवालात भी किए कि आप हमारे चाड़ी के लोगों ने जो कुछ वर्षों से कुछ आकांक्षाएँ थी वो आकांक्षाएँ को पूरी करने का मैं उनको याद दिलाया, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं हर संभव प्रयास करूंगी कि चाड़ी के लोगों के जो आकांक्षाएँ हैं वो आकांक्षाएँ को मैं हर संभव प्रयास करूंगी पूरी करने के लिए। और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम सारे गाँववासियों में एक हर्ष का माहौल था, हम लोगों ने भी उन पर आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने उनसे ये
कहा कि भाई आप हमारी गांव की देखभाल और अगल बगल की जनता हमारे गोलाब प्रखंड थोड़ा विकास का मामले में जो हमारे खास करके गांव जो पीछे है उसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। हमने अपने गांव के बारे में अपने गांव की तरक्की के बारे में भी विशेष ध्यान दिया और उन्होंने आश्वासन भी दिए कि हाँ हम हर संभव प्रयास करेंगे। उत्सुकता है, बहुत उत्सुकता है। आज हम लोग 15-20 साल से ठगे ठगे महसूस कर रहे थे, आज रामगढ़ के पूरे जनता को पूरा हर्ष है, इसकी चहुमुखी विकास भी करेगी और सबों के अंदर में ये खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है और उसका कुछ अंदाजा नहीं भी यहाँ किया जा सकता है कि किस तरह से गांव में खुशी है। यहाँ पर आके क्या की? आई बाबा के दरबार में अपना नॉमिनेशन करने के लिए जब जा रहे थे तो आई थी मजार पर जोड़ा चादर पेश कर करके ये मान्यता ली थी कि अगर हम जीत जाएंगे तो जीतने के बाद जो है सो चादर पोसी आ करके दोबारा करेंगे और बहुत अच्छी वोटों से जीत की और आज फिर दोबारा वो चल कर करके आई और चादर पोसी वगैरह की। मोहम्मद इजराइल चाड़ी, कांग्रेस पार्टी। ममता देवी के यहाँ आने से गांव के लोगों के अंदर एक उत्साह सा भरा, इसलिए भरा कि 15 सालों से जो भी यहाँ की जनता नहीं बल्कि पूरे रामगढ़ विधानसभा की जनता तराही तराही पर ज़िंदगी गुजार रही थी, प्रकाश चौधरी जो यहाँ के मंत्री रहे और उन्होंने विकास के नाम पर अपना ही विकास किया जबकि यहाँ की जनताओं का विनाश किया। अब इस सवाल पर जनता 15-30 वर्षों के दरमियान में कांग्रेस पार्टी की जो अभी महागठबंधन की सरकार बनी इससे पूरे झारखंड के जनताओं का एक बहुत बड़ा एक आशा और विश्वास जुटा है और जब ममता देवी यहाँ आई जिस समय जा रही थी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उसी दरमियान में नॉमिनेशन के दरमियान में आ करके वो यहाँ से मन्नत मान करके गई थी कि अगर हम विधानसभा के चुनाव के परी वो खरी उतरेगी इस बार आशा और उम्मीद के साथ यहाँ की जनता खुशियाँ मना रही है। जी कैमरा के लिए अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जहीर अहमद है, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाहसाल नहीं है। ये जो हमारे गांव में मेरे ग्राम में जो दाता अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो मजार अकदस है ये हिंदू मुसलमान सारे धर्मों के मानने वालों के लिए एक अकीदत का जगह है और यहाँ पर हिंदी के 2 बैसाख मुहूर्त लगता है। उस मौके पर इस इलाके के जितने चाहे वो हिंदू धर्म के मानने हो मुस्लिम धर्म के मानने हो सब लोग अपने आके मन्नत को मांगते हैं। तो इसी तरह से ममता देवी जी जब अपना चुनाव का नॉमिनेशन कराने के लिए जा रही थी तो उस समय अपना मन्नत मांगी थी, वही मन्नत को जब पूरा हो गया तो मन्नत को पूरा करने के लिए भी यहाँ पर पहुँची हुई थी। तो जैन सैलाब देखा गया तो क्या आप इससे क्या जैन सैलाब देखा गया कि कहीं ना कहीं अगर ये दिली रूप से पूछा जाए अगर हम जिसको सपोर्ट करते हैं और वो मेरा सपोर्ट करने वाला का विजय होता है जीत होती है तो एक आम जनता में खुशी महसूस होती है। बस यही आम जनता लोग आज जो जमा हुए अपना खुशी के इजहार करने के लिए। गांव में कुछ ऐसी समस्या जिनको आप चाहेंगे कि प्राथमिकता के साथ किया जाए? गांव में हमारी समस्या है कि हमारे गाँव में कुछ इलाके ऐसे भी हैं, कुछ एरिया ऐसे भी आते हैं जहाँ पर रोड का काम बकाया है। अभी हमारे यहाँ जो दाता अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हमारे यहाँ एक मदरसा चलता है जिसका नाम है मदरसा रहीमिया दारुल कुरान, वहाँ भी फिल वक्त में बाउंड्री का बहुत ज़रूरत है और उस मदरसे में गरीब यतीम बच्चे पढ़ते हैं तो उनके सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो वो बाउंड्री वाल बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग तो फिल वक्त में जल्द चाहते हैं कि थोड़ा विधायक मत से हो या किसी भी हम लोग को वो बाउंड्री हो जाए तो बेहतर होगा। परिचय जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद हुआ और कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला सचिव हूँ।